गुजरात कांग्रेस में अहमद पटेल परिवार की एंट्री थी। चूंटणी पहला अहमद पटेल पुत्री मुमताज मैदान आया है। भरूच में मुमताज पटेल कांग्रेस प्रचार मैदान में है। भरूच में विविध विस्तारों में मुमताज कांग्रेस प्रचार कर लोगों ने रीझा कर रहा है प्रयास। तरह टीवी 9 की टीमें मुमताज साथ खास बातचीत करी। आ दरमियान मुमताजे कहूं कि पिता की कर्मभूमि होवा हूँ भरूच आई छूँ और संपर्क कर रही छूँ। साथ कहूं कि हाल गुजरात में कांग्रेस तरफी माहौल जोवा मळी रह्यो छे। राजकारण में सक्रिय थवा अंगे पूछायेला प्रश्न अंगे मुमताजे कहूं कि लोग कहेशे तो हूँ चौक्कस राजकारण में आवीश और जो तक मळशे तो 2024 में भरूच थी लोकसभा की चूंटणी लड़ीश। चूंटણીઓના માહોલ દરમિયાન અંકલેશ્વરનું ખોબા જેવડું પિરામણ ગામ કેન્દ્ર સ્થાને બની જતું હોય છે। ખાસ કરીને આ ગામમાં કોંગી નેતાઓની અવરજવર રહેતી હતી, પરંતુ અહેમદભાઈ પટેલના નિધન બાદ આ ગામમાં હાલમાં જે નેતાઓની અવરજવર ઓછી થઈ હતી, પરંતુ ફરી એકવાર એક એવો ચહેરો કોંગ્રેસના પ્રચારમાં નજરે પડ્યો જેના બાદ ફરી એકવાર જાણે કોંગ્રેસના પ્રચારમાં પ્રાણ ફૂંકાયો। આપણે વાત કરી રહ્યા છે મુમતાઝ પટેલ જેઓ અહેમદભાઈ પટેલના પુત્રી છે તેમની સાથે વાત કરીએ। મુમતાઝજી મેં ખાસ કરકે આપકો યે પૂછના ચાહુંગા કે જો આપ પ્રચાર મેં અભી દિખ રહે હૈ ક્યા યે સ્ટાર પ્રચારક હૈ યા કોંગ્રેસ કે કાર્યકર્તા કે તૌર પે આપકો એક્ટિવ દેખા જા રહા હૈ? नहीं, ये लोगों के प्रति प्रेम जो हमारे कैंडिडेट हैं, आज पापा मौजूद नहीं हैं तो हमें लगा कि हमें उतरना चाहिए और उनके साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करनी चाहिए। मुमताज जी, खास करके देखा जाए अगर इलेक्शन की बात, इस बार कांग्रेस की हालत थोड़ी पतली लग रही है, काफ़ी लोग छोड़ के गए, उसके बाद आपके आने के बाद कितना फर्क लगेगा? नहीं, आप ये मीडिया में आप दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की हालत खस्ता है, ऐसा नहीं है। अंडर करंट तो बहुत है, तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, आप लोग देखेंगे क्या होता है। जी बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी बात देखी जाए तो क्या देखा जा सकता है, अगर आपका इस तरह से एक्टिव हो जाना इलेक्शन के थोड़े देर दिन पहले, तो क्या माना जा सकता है कि आप एक्टिव रोल में कांग्रेस में दिख सकते हैं शॉर्ट टाइम में? नहीं, कांग्रेस के साथ ही जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, और एक्टिव रोल तो यहाँ भरूच में हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि सामाजिक कार्य जो मेरे पिता यहाँ छोड़ के गए हैं उसमें हम पूरे जी जान से लगे हुए हैं, तो एक्टिव तो मैं हूँ। अब वो किस तरीके से एक्टिव हूँ वो आप देखिएगा। अहमद साहब की बात की जाए तो वो भी कभी चुनाव से काफ़ी दूर रहना पसंद कर रहे थे, आप कैसे किस तरह से पॉलिटिकल एंट्री करेंगे या चुनाव में आएंगे या आप भी बिहाइंड द कर्टेन ही अपना रोल निभाएंगे? सारा रोल निभाएंगे, जो जनता चाहेगी 100% शिद्दत से करूँगी जी। आप प्रचार में काफ़ी निकले हैं, आपने देखा होगा माहौल कैसा आपको दिख रहा है अभी इलेक्शन का? नहीं, बढ़िया माहौल है, हम यहाँ पे भरूच में काफ़ी दिनों से हैं और लोगों की नाराज़गी है, लोगों की तकलीफ़ें हैं, और कहीं ना कहीं अब हम सब जो इतनी बढ़िया तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, जोश बिल्कुल है और लोग तैयार हैं एक परिवर्तन और बदलाव के लिए। मुमताज जी, आपका अभी कांग्रेस के प्रचार में दिखना क्या मान सकते हैं कि 24 के लिए कोई बड़ा हिंट है? नहीं, 24 में अभी दिल्ली अभी दूर है, पर यही काम कर रहे हैं लोगों के बीच, और मैं हमेशा यही कहती हूँ अगर जनता चाहेगी कि मैं उनकी तरफ से उम्मीदवार बनूं तो मैं ज़रूर बनूंगी। आपकी पसंद की गुजरात रहेगी या कोई और जगह से? नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ दिल्ली में रहते हैं, पर ये हमारा गांव है, ये हमारा वतन है, और अगर आप जानते हैं पापा को भी जब मौका मिला था राज्यसभा किसी और स्टेट से आने के लिए तो उन्होंने हमेशा गुजरात चुना है, तो उम्मीद तो यही रखती हूँ कि गुजरात से ही हम अपने लोगों के बीच से ही काम करेंगे। आप क्या चाहती है जिस तरीके से अभी जो 3 पार्टियां 4 पार्टियां गुजरात में दिख रही है, गुजरात को आप कैसा देखना चाहते हैं? नहीं, गुजरात एक बस भाईचारा रहे, अमन रहे, शांति रहे, यही देखना चाहूँगी। लोगों के बीच में जो ये नफरत फैलती है, और सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रही हूँ, लोकतंत्र को हमें बचा के रखना है, और जिस आज़ादी के लिए हम इतनी मेहनत से लड़े हैं हमें उसको संविधान को और आज़ादी को बचा के रखनी है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, पर मैं हमेशा यही एडवोकेट करती आई हूँ यहाँ पे भी जब प्रचार करते कि देखिए जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो लोकल मुद्दों पे लड़ते हैं, तो वी कांट मेक इट अबाउट यू नो मोदी जी और राहुल जी, राइट? यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल उम्मीदवार हैं, उनके बेसिस पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो गुजरात में शायद एक एसोसिएशन हो जाती है कि प्रधानमंत्री हमारे गुजराती, हम लोगों को गर्व होता है इस बात का, पर चुनाव तो मुझे लगता है कि लोकल मुद्दे पर ही लड़ा जाना चाहिए। आपके मुताबिक परिणाम क्या रहेंगे? बढ़िया रहेंगे।
તો આ છે મુમતાઝ પટેલ જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ તરફી વાતાવરણ ચોક્કસ તેમને દેખાઈ રહ્યું છે, સાથે સાથે તેમણે એક હિંટ પણ આપી છે કે જો તક મળશે તો ચોક્કસ તેઓ ભરૂચ તરફથી જ લોકસભા સહિતની કોઈ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી કરે તેવા પણ તેઓ સંકેત આપી રહ્યા છે, જે હાલના તબક્કે ખૂબ મોટા અહેવાલ માનવામાં આવી રહ્યા છે. અંકિત મોદી, TV9, ભરૂચ.